साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल दोस्तों इस लाइव बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। केजरीवाल भले ही संवैधानिक प्रावधानों को ठेंगा दिखा रहे हो, नैतिकता को तार तार कर रहे हो, लेकिन इनके सांसदों ने बागी तेवर अपना लिया है और आप समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत देखने को मिल रही है, सबसे बड़ी बगावत। और मैं आपको बता सकता हूं कि यह खबर किसी ने नहीं दिखाई होगी, लेकिन मैं आपको दोस्तों सबूतों के साथ, जी हां सबूतों के साथ ये दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ी फूट दिखाई पड़ रही है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत दिखाई दे रही है। और ये छोटे मोटे नेता नहीं है, इनके 7 राज्यसभा सांसदों में 5 की कहानी दिखाऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी कहानी, और ये कहानी इनके स्कूल मॉडल को लेकर है। बड़ा ये हल्ला पीटते हैं ना, बहुत ढोल पीटते हैं। जेल जाने के बाद तो ये सब भगत सिंह बन गए और आत्मा भी भटकने लगी। और स्कूलों को लेकर इन लोगों के जो बयान हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं उन बयानों में तो जाऊंगा नहीं, मैं तो आपको सीधी रिपोर्ट दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत कितनी बदतर है। और हाई कोर्ट की रिपोर्ट है दोस्तों, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, ये मैं दिखाऊंगा। स्कूलों को तिहाड़ बनाकर रख दिया है, ये मैं आपको दिखाऊंगा और आपसे संवाद भी करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप एक एक बात पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, बताइए कि कैसे मेनस्ट्रीम मीडिया ने इन सारी बातों को छुपा लिया और चुनाव के समय जिसको गंभीरता से दिखाने की जरूरत है उसे दिखाया ही नहीं, किसी ने नहीं। आप सोचिए आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप जेल में है और सिर्फ उल्टी सीधी बातें, मैसेजेस दिए जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों की हालत कोई नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी बगावत है केजरीवाल के खिलाफ, इधर उधर नहीं, ऐसा नहीं कि सरकार तोड़ रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं, सीधे अरविंद केजरीवाल को चुनौती। आप इस रिपोर्ट को देखिए क्या लिखा है और इसके सबूत भी आपको अभी दिखाता हूं। 5 आप MPs कीप मम ऑन अरविंद केजरीवाल्स अरेस्ट, लीडर्स बैफल्ड। जानते क्या लिखा है, अब इन लोगों ने बड़े हल्के में लिख दिया, खबर भी लोगों को दिखानी होती है बहुत ही हल्के में। मैं पहले खबर पढ़ता हूं फिर बयान एक सुनाऊंगा और उसके बाद सारे सबूत दिखाऊंगा और आप बताइएगा कि इसमें मेनस्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया का रोल कितना खराब है इस मामले में। इसमें लिखा क्या है दोस्तों, द साइलेंस ऑफ 5 ऑफ द 7 पंजाब राज्यसभा मेंबर्स ऑफ द आम आदमी पार्टी ड्यूरिंग द प्रेजेंट क्राइसिस फेस्ड बाय द पार्टी has baffled party leaders and legislatures। पंजाब से राज्यसभा के 7 सांसद हैं और उसमें 5 ने जिस तरीके से चुप्पी साध ली है उसकी चर्चा की गई है। These members all picked by the party top brass in 2022 from among business tycoons, sports persons and social workers have surprisingly not spoken against the Kejriwal of their party, Chief Arvind Kejriwal। इसमें लिखा है कि 2022 में जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप का मतलब यही होता है केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, यही तो टॉप लीडरशिप है ना, या राघव चड्ढा भी जोड़ लीजिए, उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एक भी शब्द नहीं बोला। किसने बोला? ओनली संदीप पाठक हु इज ऑल्सो द आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी एंड राघव चड्ढा हैव स्पोकन अगेंस्ट द अरेस्ट। इसमें यह भी कहा है संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उसने कहा है, और एक और नाम लिया है राघव चड्ढा, उन्होंने भी अगेंस्ट में कहा। क्या कहा है आपको पता है ना,
लेकिन उनकी भी कहानी आपको दिखा दूंगा आगे। ये राघव चड्ढा भी माइनस कर दिया। चलो भैया, संदीप पाठक और राघव चड्ढा। अब आगे पढ़कर सुनाता हूं कि केजरीवाल वॉज अरेस्टेड। इसमें लिखा है कि केजरीवाल को ईडी ने मार्च 21 में दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। फॉलोइंग हिज अरेस्ट, अब देखिए मेन लाइन आपको सुना रहा हूं, फॉलोइंग हिज अरेस्ट ऑल आप लीडर्स हैव चेंज देयर प्रोफाइल पिक्चर्स ऑन देयर सोशल मीडिया हैंडल्स कैरिंग पिक्चर्स ऑफ एन केजरीवाल का जो जेल के भीतर बंद है विद द स्लोगन मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। और इसके बाद आम आदमी पार्टी के सभी सांसदों ने केजरीवाल के पीछे बिल्कुल एकजुट होने के लिए, खड़ा होने के लिए, दिखाने के लिए पूरी दुनिया को अपने पिक्चर्स बदल दिए, डीपी बदल दी, और उसमें केजरीवाल जेल के भीतर कैद हैं और वो पिक्चर लगाई है। अब आगे देखिए, ऑफ द 7 राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम पंजाब, 5 ऑफ देम, 5, हरभजन सिंह, अशोक कुमार मित्तल, संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सीचेवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी हैव नॉट चेंज देयर प्रोफाइल पिक्चर्स डिफाइंग द पार्टी डिक्टेट। अब इन सातों में से 5 लोगों के नाम, हरभजन सिंह, अशोक कुमार मित्तल, संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सीचेवाल, विक्रमजीत सिंह, किसी ने चेंज नहीं किया। और मैं आगे पढ़ता हूं, नन ऑफ द एमपीज हैज गिवन एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट द बीजेपी और एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू द पार्टीज नेशनल कन्वीनर सेड ए मिनिस्टर इन द आप गवर्नमेंट। जानते हैं आप सरकार में एक मंत्री ने कहा कि इन 5 में से किसी ने भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, केजरीवाल के समर्थन में एक शब्द नहीं कहा। While off the record, many in the party object to their stand on the issues. हाँ देखिए, हालांकि off record इन्होंने कई सारी बातें कही हैं। अब सच बताऊं दोस्तों, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने पढ़ा, अब ये कहीं आपने रिपोर्ट पढ़ी हो तो बताइएगा। आप जरा देखिए और बताइए कि ये ट्रिब्यून की जो रिपोर्ट है इसको किसी ने दिखाया क्या? आप खुद सोचिए, किसी ने बताया क्या? और आप में से कितने लोगों ने मुझसे दिखाने से पहले आपने देखा या पढ़ा, बताइए। कितनी बड़ी खबर है और खबर छप गई तो फिर मेरी दिलचस्पी हुई। कई बार क्या होता है कि चलो भूल गए, एक्टिव नहीं है, कोई बात नहीं, चेंज कर लिया होगा। मेरी इच्छा हुई कि इन लोगों ने चेंज किया कि नहीं किया, अब तो मीडिया में आ गई चीज़ें। और उसके बाद फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि क्या वाकई इनके लिए बदलना ज़रूरी था, ये मैंने जानने का प्रयास किया। दोस्तों अभी मैं आपको वो भी चीज दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले मैंने खंगालना शुरू किया उस दौरान के बयान जब इन लोगों ने कहा था कि अब तो केजरीवाल गिरफ्तार हो गए और मातम मनाना शुरू किया, भ्रमित करना शुरू किया। तब जाकर एक बयान मिला आतिशी मारलेना का, जो केजरीवाल की सबसे करीबी, केजरीवाल सरकार में नंबर 2 मंत्री। उन्होंने कहा, खुलकर कहा, सबके लिए कहा। आपको बयान सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और तब आपको समझ में आएगा कि केजरीवाल के खिलाफ ये कितनी बड़ी बगावत है। बड़े ध्यान से सुनिए इस बयान को। अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा घर घर तक पहुंचाने के लिए आज पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक डीपी कैंपेन की शुरुआत कर रही है। आज दोपहर 3 बजे से आम आदमी पार्टी के सभी नेता, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी डीपी बदल रहे हैं। आज से ये होगी सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की डीपी, के मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल है। ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आतिशी मारलेना का। क्या कह रही हैं? समय दे रही हैं। और तुरंत शुरू किया गया था कि आज दोपहर 3 बजे से सभी नेता, सभी विधायक, सभी सांसद, सभी कार्यकर्ता सब डीपी बदलेंगे। और ये डीपी सबकी होगी, कार्यकर्ताओं की डीपी बना दी गई। सांसद तो सबसे बड़े होते हैं, मंत्रियों और उसके बाद। क्या हुआ? अब देखिए, एक चंद्रेश दवे जी कह रहे हैं, मैं अभी आपको सबूत दिखाता हूं,
चंद्रेश दवे जी कह रहे हैं भाई यूएसए जर्मनी एंड नाउ यूनाइटेड नेशंस इसकी चिंता करते हैं, कुछ खास है उनका ये? ट्विटर पे पीएमओ अमित शाह एनआईए रॉ को टैग करो, देश का सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राजेंद्र प्रसाद पांडे जी लिख रहे हैं देश की राजधानी की जनता ऐसे झूठे आदमी को दोबारा भी चुना जितने हैं सब बच्चों की तरह बोलते हैं। सिकाहा सेन एचबी ठीक हुआ जैसा केजरीवाल के साथ हुआ। अमरीक सिंह दो में से एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली और दूसरा लवली यूनिवर्सिटी जालंधर के मालिक हैं जिनसे 100-100 करोड़ रुपए लिए। ये बात पहले भी आ चुकी है जो दिल्ली के दो सांसद बनाए गए थे। एक तो ऐसा था कि कांग्रेस से रिजाइन किया और तुरंत सांसद बना दिए इन लोगों ने। योगिंदर राव, हरीश जी आप देश हित में दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको कोटि कोटि नमन, आपको भी नमन सर। अब दोस्तों मेरी इच्छा हुई कि जब इतना सब कुछ देख ही लिया है, पढ़ लिया, सुन लिया, तो क्यों ना एक बार फिर से जाया जाए। हो सकता है कुछ लोगों ने गलती की हो, ना लगा पाए हो, पता नहीं चल पाया हो। अब आम आदमी पार्टी में तो अलग ही दुनिया चल रही है ना। अब सब या तो मतलब केजरीवाल के लिए अपनी अपनी भूमिका तलाश रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के मन में एक टीस है कि यार ये तो गजब हो गया, जिस पार्टी ने नैतिकता की इमारत खड़ी कर दी वो पार्टी नैतिकता में इतने नीचे तक चली जाए, ये ठीक तो नहीं लगता। लोगों को ये दुख है और इसीलिए मैंने सोचा जरा देखा जाए। और देखिए मैं आपको एक एक करके सबके ट्विटर अकाउंट लेकर जा रहा हूं। एक्स हो गया अब तो, हरभजन टर्मिनेटर नहीं, सबसे पहले आप देखिए इनको, संदीप पाठक जो जिन लोगों ने लगाया है, ये आपके जनरल सेक्रेटरी हैं। देखिए लिखा हुआ है तिरंगा है और इनकी डीपी में केजरीवाल है, मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल, पास। आप भी एकदम कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, टिक, पास हो गया जी। एक केजरीवाल का सबसे बड़ा भक्त है, भक्ति बोल दीजिए कोई बात नहीं। आगे बढ़िए, राघव चड्ढा, बड़े सवाल उठ रहे हैं। मेरी इच्छा हुई कि राघव चड्ढा का देख ले सही में है या नहीं है, पता चला राघव चड्ढा का देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। अब इन्होंने पंजाबी में लिखा है, पंजाब की बड़ी भूमिका है इनकी, आपको पता है ना, इनके बारे में कहा जाता था कि यही चला रहे पंजाब सरकार, भगवंत मान तो सिर्फ एक मुखौटा है, यही कहा जाता था। इनका भी बदला हुआ दिखा, चलिए मान लिया। अब मैं एक एक करके बाकी पांच सांसदों का आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए हरभजन टर्मिनेटर, बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों क्या है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये मंत्र लिखा है, जय हो। और इनका फोटो देखिए, डीपी देखिए, कहां है केजरीवाल। और केजरीवाल पर इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। अब ये कोई अब क्यों बागी तेवर है, आप सोचिए भाई। हरभजन सिंह क्रिकेट की दुनिया के एक सितारे रहे, पूरी दुनिया में इनका नाम है, कैसे ये कह दें कि भाई जो आदमी भ्रष्टाचार के मामले में, शराब घोटाले में जेल में है, उसके साथ हम खड़े हो जाएं। इनकी नैतिकता ने गवाही नहीं दी, मैं तो यही मान रहा हूं। और इसीलिए 21 मार्च को जो गिरफ्तार हुआ, आज तक अगर जेल के भीतर है और छूटने की कोई संभावना नहीं है, उसके साथ अगर इन्होंने खड़ा नहीं होने का फैसला किया तो मैं इनके साथ हूं। और इसीलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है और तभी मैंने आपको दिखाया दोस्तों, इसीलिए बयान भी सुनाया आपको। और आगे बढ़िए, ये देखिए अशोक कुमार मित्तल, देखिए ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अभी आप में से एक ने कहा ना कि दो मालिक हैं 100-100 करोड़ रुपए लिए, लिख रखा है इन्होंने फाउंडर चांसलर ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब। लेकिन उससे पहले क्या लिखा है इस प्रोफाइल में, देखिए बड़े ध्यान से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। अब आप सोचिए दोस्तों, सोचिए बड़े ध्यान से कि जिस पार्टी के सांसद हैं, जिसका वो लगा करके अपने प्रोफाइल में रखे हुए हैं एक्स अकाउंट में, उन्होंने केजरीवाल को कहीं नहीं लिखा, वो संसद को प्रणाम कर रहे हैं, उनका उनकी खुद की तस्वीर है, ये बगावत नहीं तो और क्या है। और कितना बढ़िया काम किया ये भी मैं आपको बता रहा हूं। और आगे बढ़िए,
ये देखिए, संजीव अरोड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिंग पंजाब, फाउंडर, अब देखिए KPBCC ट्रस्ट देख लीजिए, आइए इंडिया को नंबर वन बनाते हैं, ये स्लोगन भी केजरीवाल का है, फोटो नहीं है उनका जी, देख लीजिए बड़े ध्यान से, नहीं है फोटो, अपनी तस्वीर लगाइए दोनों जगह, एक जगह तिरंगे के साथ और एक जगह स्लोगन के साथ। अब आपके मन, आप मुझसे बताइए दोस्तों, मैं अभी आपको एक जवाब देता हूं, मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं कि क्यों नहीं लगाया होगा, मैंने बगावत कही, लेकिन आपके हिसाब से और क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं इन्होंने केजरीवाल को लगाया, या किसी ने इनको विवश क्यों नहीं किया, कर भी नहीं पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, आप इसका जवाब दीजिए, मैं पढ़ता हूं पहले बाकी लोगों के, फिर मैं आपके जवाब पे आता हूं। एक और आइए, बलबीर सिंह सिचेवाल, आप देखिए इनको, पद्मश्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, वाइडली पॉपुलर एज इको बाबा, बे वाला बाबा, वेलफेयर बाबा, इंस्पिरेशन गुरु नानक देव जी, पंजाब इंडिया, और ऊपर में कुछ और तस्वीर, इनके काम की तस्वीर, और DP में भी इनकी ही तस्वीर, केजरीवाल को नहीं लगाया। और आगे बढ़िए, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, एक आखिरी बचा हुआ है, विक्रमजीत सिंह साहनी, देखिए, पद्मश्री विक्रमजीत सिंह, मेंबर पार्लियामेंट पंजाब, अक्लेम्ड फिलेंट्रोफिस्ट, चेयरमैन सन फाउंडेशन इंटरनेशनल, प्रेसिडेंट वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन, और इनको आप बड़े ध्यान से इसलिए भी देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इन्होंने भी कहीं नहीं लगाया है, कुछ नहीं लगाया है, आप देख लीजिए, विक्रमजीत सिंह जी ने, यानी 7 में से 5 सांसद, उन्होंने कहीं भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया, जिक्र नहीं किया, एक शब्द नहीं कहा, भाजपा के खिलाफ में कुछ नहीं कहा, और एकदम से खुलकर बगावत कर दी, और बगावत इधर उधर नहीं, सीधे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बगावत, यह कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, 7 में से 5 बगावत कर दे, ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी घटना है, पूरी पार्टी बर्बाद हो जाती है। अब सोचिए ना, 7 में से 5 सांसद कहे कि हम भाजपा में चले गए, कांग्रेस में चले गए, तो पार्टी खत्म हो गई ना, कोई रूल ही लागू नहीं होगा, यही ओरिजिनल पार्टी बन जाएगी, अगर देखिए तो संसद में बोलेगी हम पार्टी और हम मिल रहे हैं, हम अपना विलय करा रहे हैं, पार्टी ही नहीं बचेगी। अब आप सोचिए क्यों, मैंने आपसे सवाल पूछा, बिकॉज दिस MPs हैव स्पाइंस, मृणुल डेका जी ने कहा है, और राम प्रधान जी लिखते हैं, वेन दे हैव पेड फॉर द पोस्ट वाई विल दे टेक डायरेक्शन फ्रॉम मालेना, मतलब पता चला है केजरीवाल बाहर आने वाले नहीं हैं। धनजू दीक्षित, निर्मला, बहुत अच्छा न्यूज भाई साहब, संजय जी लिख रहे हैं, गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने केजरीवाल को खल, आगे बढ़ते हैं, जर्मनी, ध्रुव राठी, अमेरिका, पन्नू, कनाडा, हेल्प। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देखिए इसी में जवाब है, कुछ लोगों ने अभी लिखा ना कि 100-100 करोड़ रुपए देकर आए हैं, अब आप सोचिए किसी को दिया होगा या कुछ लिया होगा या कोई फायदा उठाया होगा, तो ये तो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है ना, उसका आपसे कोई अटैचमेंट थोड़ी है, कुछ नहीं, पता है उसको कि आपने आम आदमी पार्टी खड़ी की और जिन लोगों ने आपके लिए मेहनत की आप उससे दूरी बना लिए, आपने सबको निकाल के बाहर फेंक दिया। जब आपको राज्यसभा सांसद बनाना है तो आप कुछ ना कुछ एवज में करते हैं और आप पे आरोप लग चुके हैं, अब उसकी पुष्टि कौन करेगा, ये तो खुद ही मालिक, तो आपका अटैचमेंट किस बात का भाई, आपको तो मिला है ना कुछ ना कुछ, अब आप गिरफ्तार हैं अपनी बला से, मैं कहीं और लगाऊंगा वहां बन जाऊंगा, तो ये एक बड़ी वजह है दोस्तों। दूसरी वजह ये है कि इनका अटैचमेंट नहीं है, एक तो लेन देन, दूसरा अटैचमेंट, और तीसरा इनकी नैतिकता, ये समझ गए कि
इनको पता है दोस्तों, एक होता है इंसान की चलो जेल में ठूंस दिया, आप पॉलिटिकल मूवमेंट कर रहे हैं, आप अन्ना आंदोलन कर रहे हैं, आप जेल चले गए कोई बात नहीं, पता है ये ईमानदारी के लिए गए। यहां तो पता है कि आप बेईमानी के लिए गए, आप शराब घोटाले में गए, आप शराब घोटाले के सरगना बताए जा चुके हैं कोर्ट के अंदर, और इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखिए, इसने ट्रिब्यून ने तो 7 में 5 कहा, लेकिन छठा जो नाम है दोस्तों राघव चड्ढा, ये देखिए, आपके मुश्किल वक्त में राघव चड्ढा एक्शन से दूर, सोशल मीडिया पर सांसद के अगले कदम को लेकर चर्चाओं का दौर। जानते हैं राघव चड्ढा ने भले ही अपनी डीपी बदल दी हो, लेकिन राघव चड्ढा है कहां, क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहां समर्थन में खड़े हुए, कुछ पता है क्या आपको? जो व्यक्ति हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहता हो, जो व्यक्ति लगातार बहुत ही वोकल रहा हो, जो सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में सबसे आगे खड़ा रहता हो, वो कहीं दिख ही नहीं रहा। आप सोचिए, मैं थोड़ा पढ़कर इनकी कहानी बता देता हूं। ये तो चलो ठीक है, वजह क्या बताई गई, क्या नहीं बताई गई, मैंने भी कहा चलो कुछ तो ढूंढ लेते हैं हम भी, आपको भी पढ़ के सुना देता हूं, सीधे पढ़ के सुना रहा हूं। अमरीक सिंह लिख रहे हैं, लवली यूनिवर्सिटी का नाम पीजी से .. पर्दाफाश हुआ है। भैया मैं नहीं पढ़ूंगा ये चीजें, आप लोग पढ़ लीजिएगा अमरीक सिंह जी ने क्या लिखा है। संतोष ऋषि जी लिख रहे हैं, वॉचिंग न्यूज अबाउट केजरीवाल, ही विल बी आउट और स्टिल इंजॉइंग मेडिटेशन। चलिए ठीक आपने लिखा है। विजय कुमार परिजा साहब लिख रहे हैं, कैन यू प्लीज से विच डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इज करप्शन फ्री। ये बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया विजय कुमार परिजा साहब, ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली का कौन सा डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का करप्शन से फ्री है। मैं तो हार गया, मैं नहीं बता पाऊंगा। मतलब अगर एक डिपार्टमेंट हो करप्शन डिपार्टमेंट तो वो फ्री हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि चोर बड़े ईमानदार होते हैं, चोरी करने वाले बड़े ईमानदार होते हैं, बंटवारा सही से करते हैं, तो वो अगर डिपार्टमेंट होता तो मैं कह देता वो ईमानदार है, वरना तो हर जगह एलिगेशन लग गया। और मैं तो पहला आदमी हूं और आखिरी आदमी हूं जिन्होंने आपको अल्फाबेट्स दिखा दिए। विजय जी आपको ध्यान हो, मैं फिर से दोबारा किसी दिन रिहाइश करके वो दिखाऊंगा। मैं थोड़ा राघव चड्ढा के बारे में पढ़ देता हूं। राघव चड्ढा फिलहाल लंदन में है, उनकी हाल ही में आंख की सर्जरी हुई थी। मार्च के मध्य में आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने दावा किया था कि स्पेशलिस्ट ने ब्रिटेन में चड्ढा को यह सर्जरी कराने की सलाह दी थी। चड्ढा ने 8 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बताया था कि वो लंदन पहुंच गए हैं 8 मार्च। इसके एक दिन बाद 8 मार्च मतलब अभी 9 अप्रैल है जब मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं, एक महीने से ज्यादा हो गया। चड्ढा ने 8 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बताया था कि वो लंदन पहुंच गए हैं। इसके एक दिन बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ओर से आयोजित लंदन इंडिया फोरम 2024 में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में उनकी पत्नी परिणति चोपड़ा भी बतौर वक्ता शामिल हुई थी। चड्ढा 20 मार्च को अपनी पत्नी के साथ वेस्टमिंस्टर पैलेस भी गए थे, जहां उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। चड्ढा ने उन्हें और परिणति को मिले इस कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र की तस्वीर भी शेयर की थी। इस विजिट के दौरान राघव ने भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद प्रीत कौर गिल से भी मुलाकात की थी। और प्रीत कौर गिल कौन है आपको पता है ना, वो खालिस्तान समर्थक हैं, और भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया था दोस्तों। आगे पढ़ता हूं इसी खबर का, आप सोच लीजिए, आंखों की सर्जरी और केजरीवाल या केजरीवाल की टीम के गैंग के लोग किस पर ढोल पीटते हैं। दो ही मुद्दा है, सिर्फ दो मुद्दा, शिक्षा और स्वास्थ्य, तीसरा अगर कुछ हो तो बताइएगा, मैं भूल गया हूं तो, शिक्षा और स्वास्थ्य। अब आप सोचिए दोस्तों, ये व्यक्ति, ये पार्टी कैसे इस देश को बदनाम करती है। जो आदमी ये कह रहा है कि उसका स्वास्थ्य मॉडल सबसे बेहतरीन है भारत में, उसके आंखों की सर्जरी के लिए क्या इस देश की राजधानी में एक भी अस्पताल नहीं था? कायदे से तो मैं ये आपसे पूछता
कि क्या इनका मोहल्ला क्लिनिक आंखों की सर्जरी भी नहीं कर सकता। लेकिन छोड़िए, मोहल्ला क्लिनिक बहुत छोटा आइटम हो गया। क्या इनका सरकारी अस्पताल जो वर्ल्ड क्लास का है, क्या वो राघव चड्ढा के आंखों की सर्जरी नहीं कर सकता? क्या उनके डॉक्टर इतने नकारे हैं ये कहना चाहते हैं? वो भी छोड़िए, क्या दिल्ली के सभी केंद्र सरकार के भी एम्स मेडिकल, क्या इनमें भी इनको भरोसा नहीं है? चलिए वो भी छोड़ दिया। आज तो दिल्ली मेडिकल, पूरा देश जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मेडिकल हब बन गया है, मेडिकल टूरिज्म की शुरुआत हो गई है, अमेरिका से लोग सर्जरी कराने भारत आते हैं। क्या एक भी प्राइवेट अस्पताल इसको नहीं मिला जो ये लंदन चले गए? यहां तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आप जो डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं, आप प्लीज बाहर ना जाएं, भारत में करें, भारत के लोगों को पैसा मिलेगा, यहां संपत्ति बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, और ये आदमी लंदन चले गए। आप सोचिए, दो दो बातें। एक तो ये अपने ही शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल की पोल खोल रहे हैं, दूसरा ये भारत को बदनाम भी कर रहे हैं, और तीसरी बात तो केजरीवाल की कहानी है। मैं इसी रिपोर्ट का एक हिस्सा और आगे पढ़कर आपको सुनाता हूं। दोस्तों, दिल्ली में 21 मार्च की शाम को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद चड्ढा ने दो ट्वीट किए थे, पहला हिंदी और दूसरा अंग्रेजी में। इन ट्वीट में उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा की थी। बाद में उन्होंने एक वीडियो जारी कर केजरीवाल का बचाव किया था। इसके बाद से वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेयर करते रहे, कुछ नहीं कर रहे। और इसके साथ ही केजरीवाल का समर्थन करते सारे वो शेयर किए गए हैं। लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है। अब ये सवाल का जवाब है इसमें कि आखिर ये अफवाहें क्यों शुरू हुई, क्यों गर्म है? अमूमन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले राघव चड्ढा वहां भी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने फरवरी और मार्च से ही मीडिया इंटरेक्शन भी बेहद कम कर दी है। यहां ये समझना जरूरी होगा कि ये वही समय है जब केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा था। ईडी लगातार केजरीवाल को समन भेज रही थी और केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे थे। ईडी के समन को लेकर वो अलग से कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे थे। ऐसे में पार्टी प्रवक्ताओं की एक पूरी फौज रणनीतियां बनाने और केजरीवाल का बचाव करने में व्यस्त थी। इस दौरान केजरीवाल पर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही थी और पार्टी को जब अच्छे लोगों की जरूरत थी तब ऐसे लोग लगातार गायब थे। तो क्या समझ में आया? केजरीवाल के 7 सांसद, 5 ने कुछ नहीं कहा और छठा है ही नहीं। तो है ही नहीं छोड़िए, वो भले कुछ कुछ शेयर कर रहा हो लेकिन जो असलियत है, जहां जरूरत है वहां वो खड़ा ही नहीं है। तो ये तो केजरीवाल की स्थिति हुई दोस्तों। ये तो इनका स्वास्थ्य मॉडल की पोल भी खुल गई साथ के साथ, लेकिन शिक्षा मॉडल की बात जब आप सुनेंगे आप माथा पकड़ लेंगे, आप बोलेंगे कि ऐसा झूठा आदमी भी आपने देखा हो, संभव नहीं लगता दोस्तों। और मैं इस पार्ट में आपको यही दिखाता हूं। हरी वल्लभ जी लिख रहे हैं केजरीवाल मुक्त देश हो, जय सियाराम लिख रहे हैं, आंखों की सर्जरी, ये मुकेश कुमार जी लिख रहे हैं, देखिए इन्होंने लिखा है आंखों की सर्जरी हुई कि नहीं देश जानना चाहता है, नेशन वांट्स टू नो। फिर आगे संजय पांडे जी लिख रहे हैं दिल्ली सरकार घोटाले वाली सरकार है, अभी और कितने दिन कितने नाम आएंगे कुछ नहीं पता। हरीश जी आपका काम बढ़ने वाला है, बिल्कुल संजय जी मैं काम करने को तैयार हूँ। योगिंदर राव जी लिख रहे हैं आंखों का इलाज कराना तो बहाना था, इसका खेल तो कुछ और ही होगा। योगिंदर जी लिखते हैं, वेल रिलैक्सेशन जी लिख रहे हैं अगर सर्जरी भी हुई है इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने मालिक केजरीवाल को भूल जाएगा चड्ढा। गंगा प्रसाद लिख रहे हैं जितने भी राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जो देश के लिए सोचते हैं और काम करते हैं उनको गोदी मीडिया कहते हैं। अच्छा, जो चीन और सोरस से पैसा लेकर देश के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं,
तो उनको चीनी मीडिया और चाटुकार कहें। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको दोस्तों ये दिखाता हूँ, ये नवभारत टाइम्स की आज की रिपोर्ट है, बड़े ध्यान से पढ़िए। टूटी डेस्क, किताबें हैं नहीं, आखिर ये हो क्या रहा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सरकारी स्कूलों की स्थिति पर हाई कोर्ट ने लगा दी क्लास। ये राजधानी दिल्ली जिसके मालिक केजरीवाल हैं, उसी की कहानी है दोस्तों। आंखों को यकीन नहीं हुआ, मैंने चश्मा निकाला, फिर साफ किया, फिर पहना, फिर देखा, ये दिल्ली ही है या कहीं अमेरिका का कोई शहर तो नहीं है, कहीं वॉशिंगटन तो नहीं है, कहीं कोई न्यूयॉर्क की कहानी तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा नहीं, ये दिल्ली ही है जिसके मालिक केजरीवाल हैं। फिर लगा कि ये तो गजब हो गया, और ऊपर से हाई कोर्ट की रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये अखबार की रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, ये हाई कोर्ट की रिपोर्ट है। जरा पढ़ के सुनाता हूँ आपको, मैं क्या कहूँ अपने मन से, इन्हीं की रिपोर्ट पढ़ देता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के निगम और राज्य सरकार के स्कूलों का निरीक्षण किया गया। हाई कोर्ट के आदेश पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। इन स्कूलों की निरीक्षण रिपोर्ट सोमवार को हाई कोर्ट के समक्ष पेश की गई। रिपोर्ट में निगम के 6 लाख और दिल्ली सरकार के 10 लाख छात्रों की बदहाल स्थिति में पढ़ने के लिए मजबूर होने का ब्यौरा देख अदालत भी चौंक गई। दिल्ली सरकार के 10 लाख और निगम के 6 लाख, आप सोचिए, 10 साल तो केजरीवाल को भी हो गया, 10 साल में 16 लाख विद्यार्थियों की बदहाल स्थिति दुनिया में नहीं देख सकते दोस्तों। और एक ऐसी सरकार के राज में जिसका तो काम ही कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ाना है, केजरीवाल जाके सिर्फ क्लास लेने लगे, पढ़ाने लगे, तो भी कोई काम नहीं बचेगा। ये तो सरकार ही ऐसी है जो सिर्फ गाली गलौज करने के लिए बनी है, अराजकता फैलाने के लिए बनी है। आगे देखिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल की ओर से पेश रिपोर्ट को देखकर कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के हालात बेहद भयावह हैं। बदहाल पड़े स्कूलों की रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, डेस्क टूटे पड़े हैं, कक्षाओं में क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठते हैं। ऐसा लग रहा है ना किसी फिल्म का डायलॉग सुना रहा हूं, ये रिपोर्ट पढ़ रहा हूं दोस्तों। कई स्थान पर खतरनाक घोषित कर दी गई इमारतों में स्कूल चल रहे हैं। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट को देखकर निगम और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। अब चाहे तो फिल्म बना लीजिए, डेस्क टूटे पड़े हैं, दीवारें बिखरी पड़ी हैं, गर्दा गिर रहा है, दरवाजे इधर उधर अस्त व्यस्त हैं, खिड़कियों का में कुंडी नहीं है, बारिश होगी तो पता नहीं क्या होगा, कुछ भी कह लीजिए, यही सब लिखा है। और आगे बढ़िए, उत्तर पूर्व जिले के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर हाईकोर्ट ने फटकारा, कहा अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। जानते हैं क्या कहानी है इस जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक ही क्लास में दो दो अलग अलग कक्षाओं के बच्चे बैठते हैं। वकील, अब इसका मतलब क्या हुआ कि चलिए एक कैमरा खुला हुआ है, यहां पर कोई दूसरा भी यूट्यूबर आ जाए और अपना एनालिसिस करना शुरू कर दे, मैं भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा, आप क्या करेंगे? आपको समझ में कुछ आएगा? बताइए, अगर एक ही साथ दो अलग अलग आदमी एक ही फ्रेम में खड़ा हो जाए और हम दोनों बोलने लगे इसी तरीके से, तो क्या आप कुछ समझ पाएंगे? यही हो रहा है, एक ही क्लास में दो दो कक्षाओं के बच्चे बैठ रहे हैं, और ये केजरीवाल की महिमा है जिसके मालिक केजरीवाल है। मैं पढ़कर सुनाता हूं। साथ ही वकील अशोक अग्रवाल ने अदालत से कहा कि जिले में एक स्कूल टिन की इमारत में चलाया जा रहा था और कभी कभी एक ही क्लास में दो अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को बैठाया जा रहा था। अदालत ने टिप्पणी की है कि अधिकारियों की योजना की कमी के कारण बच्चों में स्कूल के प्रति उदासीनता है, अधिकारियों की जवाबदेही
तय की जानी चाहिए। अब अदालत ने तो अधिकारियों के लिए कह दिया, लेकिन कहना पड़ेगा ना, बड़ा मतलब उदार रवैया है अदालत का, वरना जो दिल्ली का मालिक है सीधा उसको ना बोलना पड़ेगा। अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारी बोलेंगे कि भैया यहाँ तो केजरीवाल जी सारा तय करते हैं, हम थोड़ी ना करते हैं। वो तो छपवा लेते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपवा लिए थे, पता है ना आपको। अब शराब घोटाले के पैसे कहाँ कहाँ गए होंगे तो समझना भी बड़ा मुश्किल है। अविनाश देशपांडे जी लिख रहे हैं, दिल्ली शराब नीति में और कितने किरदार हैं, पर मास्टरमाइंड केजरीवाल है। आज टीएमसी भी अरविंद केजरीवाल का झूठ का सहारा लेकर अब दूसरे में चले गए। अपना स्वास्थ्य, अत्यंत जरूरी इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्री आपने कड़ी रिसर्च करके जागरूक बना रहे हैं, नमन वंदे मातरम आपको भी। और दीपा मिश्रा जी लिख रही हैं, बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, ये केजरीवाल तो हमेशा मोदी जी को गाली देता फिरता था, अब जेल में सड़ेगा। अब ये देखिए, ये भावनाएं मैं समझ रहा हूँ, कितना गुस्सा है लोगों के भीतर। ब्रजनाथ तिवारी जी लिख रहे हैं, सच है ऐसा उदाहरण विश्व में कभी नहीं मिलेगा, केजरीवाल धन्य है, सिसोदिया महान है। मैं आपको और ऐड कर देता हूँ, केजरीवाल ने खुद के लिए नोबेल पुरस्कार मांगा, सिसोदिया के लिए भारत रत्न मांगा और सत्येंद्र जैन के लिए पद्मश्री अवार्ड मांगा है, तो ये लोग वो हैं। और दीपक के गाढ़िया जी लिख रहे हैं, मैं दीपक भाई गुजरात से, ये आतिशी मार लेना, जेल कब जाएगी ये बताओ। ये तो कोर्ट ही बताएगी भैया। आगे बढ़िए, मैं आपको कुछ और रिपोर्ट इसी से जुड़ा हुआ दिखाता हूँ। और देखिए और सोचिएगा दोस्तों, तिहाड़ में कौन होता आपको पता है ना, तिहाड़ में होते हैं क्रिमिनल आरोपी, बड़े बड़े आरोपी। ये पढ़िए, आपकी वजह से तिहाड़ जेल में बढ़ रही है भीड़, सरकारी स्कूलों की बदहाली देख भड़का दिल्ली हाई कोर्ट। आपको पल भर में यकीन नहीं होगा जो रिपोर्ट दिखा रहा हूं, किसी ने दिखाया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं दोस्तों, ये अखबारों की कुछ वो चीजें दिखा रहा हूं। कहीं टीवी में आपने आधे घंटे का प्रोग्राम देखा कि इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई है, आपकी वजह से तिहाड़ जेल में बढ़ रही है भीड़, सरकारी स्कूलों की बदहाली देख भड़का दिल्ली हाईकोर्ट। किस पर भड़का, बता तो देते साथ के साथ, अब जब सरकार ही नहीं है तो क्या बोला जाए। मैं पढ़कर सुनाता हूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सरकारी स्कूलों की स्थिति पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इन स्कूलों की स्थिति बहुत भयानक है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में एजुकेशन सेक्रेटरी से पूछा कि आपको पता है कि आज तिहाड़ की हालत क्या है, क्षमता से अधिक कैदी उसमें बंद हैं, और क्षमता 10,000 की है, वर्तमान में वहां 23,000 से अधिक कैदी हैं। क्या आप इन दोनों स्थितियों के बीच संबंध को समझते हैं? केजरीवाल ने स्कूलों को तिहाड़ से भी बदतर बना दिया। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल ऐसा है जिसने दिल्ली के स्कूलों को तिहाड़ जैसा बना दिया, और हाई कोर्ट उससे तुलना करने के लिए विवश है। आगे लिखा है इसमें, अशिक्षा लोग, आप युवा पीढ़ी को का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि आपके मातहत अधिकारी अगर सुस्त या काहिल हैं तो आपको देखना होगा कि कैसे अपनी ड्यूटी वक्त और ईमानदारी से निभाएं। अब एक और आपको दिखाता हूं, ये देखिए, मैं थोड़ा अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए अलग अलग चीजें दिखा रहा हूं। यह है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल, हाईकोर्ट ने लगाई शिक्षा सचिव को फटकार, फिर गुम कर गए केजरीवाल को। एक कक्षा में दो सेक्शन के बच्चे हैं और दो टीचर। देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि एक कक्षा में दो सेक्शन के बच्चे हैं और दो टीचर एक साथ पढ़ा रही हैं। अभी तो अलग अलग कक्षाओं, अब सारे सेक्शन मिला दिए, एक तरफ इतिहास तो दूसरी तरफ भूगोल पढ़ाया जा रहा है। अरे भैया, मैंने फोर्थ क्लास के ही दो सेक्शन के बच्चे हैं, अब दोनों टीचर पढ़ा रही हैं। अब केजरीवाल ने कौन सी आत्मा भटक गई, कहाँ जाके एकदम चिपक गई होगी आत्मा, पता ही नहीं।
वो तो बोलेंगे हम तो भूगोल ही पढ़ाएंगे, एक बोलेगा हम तो इतिहास ही पढ़ाएंगे। अरे जब एक ही सेक्शन के दो बच्चे हैं तो एक ही पढ़ाओ यार, आधा आधा घंटा कर लो, एक घंटा है तो आधा घंटा है तो 15-15 मिनट कर लो, देख लीजिए। हाई कोर्ट ने कहा कि एक कक्षा में दो सेक्शन के बच्चे हैं और दो टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं, एक तरह इतिहास तो दूसरी तरह भूगोल पढ़ाया जा रहा है। कोर्ट ने सेक्रेटरी को कहा कि आप बच्चों को शिक्षा न देकर उसका भविष्य खराब कर रहे हैं। सीनियर अधिकारी से ही प्रशासन चलता है, आपको जूनियर अधिकारियों पर एक्शन लेना होगा। आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि आप केवल समाचार पत्रों में घोषणाएं प्रकाशित करें। एक कक्षा में 144 बच्चे हैं, यह बहुत दुखद स्थिति है। अब ये सही दिशा में नहीं जा रहा है, क्योंकि जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग ढोल पीटते हैं, जो जाकर न्यूयॉर्क टाइम्स में रपट छपवाते हैं, दरअसल जिम्मेदारी तो वहां जानी चाहिए। लेकिन आपको तो और हमको पता चल रहा है ना कि दिल्ली में स्कूलों की हालत क्या है, और रिपोर्ट में क्या क्या खुलासा हुआ है, जरा मैं आपको इस रिपोर्ट से पढ़कर सुनाता हूं। दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के स्कूलों में पढ़ रहे 6 लाख बच्चों को अभी तक कॉपी किताब और कोई सामग्री नहीं मिली है। जो बैठने का डेस्क है वो बेकार स्थिति में है। भजनपुरा स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल 7 वर्ष से टीन शेड में चल रहा है, टीन शेड में। इस गर्मी में जो दिल्ली NCR के लोग हैं, जरा पूछिएगा, बाहर अगर 1 मिनट खड़े हो जाएंगे ना तो हालत खराब हो जाएगी। और यहां दोनों शिफ्ट में 2600 बच्चे टीन शेड में पढ़ रहे हैं, सभी डेस्क टूटे हैं। केस स्टडी है, देखिए, यमुना विहार के ब्लॉक सी में स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय 2 शिफ्ट में चलता है। सुबह की शिफ्ट में 5,000 से 6,000 छात्राएं पढ़ती हैं। यहां एक सेक्शन में 70-80 छात्र हैं, और अधूरी इमारत स्कूल को सौंपी गई है। नवीनीकरण का काम चल रहा है और अधूरी इमारत है। यह है केजरीवाल का मॉडल। एक आध और केस स्टडी बताता हूं। गोकुलपुर स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हालत यह है कि साइंस लैब, आर्ट लैब, लाइब्रेरी में भी कक्षाएं चल रही हैं। 150 छात्र बैठते हैं, 150 विद्यार्थी, और स्कूल की इमारत को खतरनाक घोषित किया जा चुका है। और किसी इमारत को खतरनाक घोषित करने का मतलब यह होता है दोस्तों कि वो इमारत कभी भी गिर सकती है। आप सोचिए, हजारों बच्चों का जीवन खतरे में डाला गया है। यह है केजरीवाल का मॉडल। अरे कम से कम शीश महल ही बुला लेते, बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, आम आदमी के बच्चे हैं। अरे इनको शीश महल में बिठा देते कि भाई जब तक बिल्डिंग बन रही है ये पढ़ लेंगे। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा अपनी जुबान से, केजरीवाल का आपको एक बयान सुनाया हूं जिसमें ये आदमी जानते क्या कहता है, किस देश के राष्ट्रपति को भवन की क्या जरूरत है, 300 कमरे, अरे एक कमरे में उसको भेजो और बाकी जनता के लिए खोल दो। और ये आदमी सोचिए कितना बड़ा बहरूपिया है, इसने शीश महल बना लिया लेकिन इसके स्कूल के बच्चे खतरनाक घोषित इमारत में पढ़ने को मजबूर हैं। एक और केस स्टडी आपको दिखाता हूं। बदरपुर गांव स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय 2 शिफ्ट में 3600 बच्चे पढ़ते हैं। हर साल बरसात के मौसम में बाढ़ की समस्या से विद्यार्थी जूझते हैं। इस गांव के चारों तरफ बांध नहीं है। हाल ही में आई बाढ़ के दौरान स्कूल में 6 फीट तक पानी भर गया था। ये जितनी कहानी बताई है ना दोस्तों मैंने, ये किसी अखबार की रिपोर्ट नहीं है, ये किसी एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है, ये हाई कोर्ट के आदेश पर जांच हुई है। आप सोचिए, और ये क्या कहानी है, मैं आपको जरा ये पढ़कर बताता हूं कि निरीक्षण क्या था, क्या था, आप सुनिए। हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2024 को शिक्षा विभाग के सचिव और याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल को उत्तर पूर्वी दिल्ली के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। बेंच ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर बता रही है कि शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।
पता नहीं केजरीवाल जी जेल में ही रहेंगे या बाहर होंगे, वैसे मुझे तो नहीं लगता। ईडी के पास इतने सबूत हैं, उनका जेल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। उन खबरों को आपके सामने रखने का प्रयास किया जो खबरें बिल्कुल मेनस्ट्रीम मीडिया ने छोड़ दी हैं, दिखाई नहीं है। और बड़ा रिसर्च करके मैंने एक एक चीज़ निकाला है। आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज एक भगवान राम पर, नवरात्रि पर एक गीत विशेष तौर पर जो मैंने खुद लिखा है, खुद तैयार किया है, आज मैं किसी समय कोशिश करता हूँ 5 बजे अपलोड करूँगा। तो HB मेलोडी, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, HB मेलोडी, हरीश बर्णवाल मेलोडी, इस चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिएगा उसे भी, ताकि मैं आपको अपने गीत पहुंचा सकूं। भजन है, भजन ही लिखता हूं मैं अधिकतर, तो वो भजन आप देखें, लोगों तक पहुंचाएं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बताइए और कमेंट कीजिए और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। साथ ही मैं लाइव हूं तो ज़रा आपसे संवाद भी कर लेता हूं। अमरीक सिंह जी राम राम, सुनील कुमार जी जय सिया राम, योगिंदर जी, बरनवा जी, चंद्रिका प्रसाद जी, रमेश जी, मिथाला जी, वाघेला जी, असीम पाल जी, मृदुल डेका जी, सुरेश तिवारी जी, चंद्रेश जी, अनिल पांडे जी, मंजीत जी, आप सभी को प्रणाम। आशीष जी, अभय जी, राजेंद्र जी, शिकाहा जी, वीरेंद्र पहाड़ी जी, प्रमोद कुमार जी, विश्वनाथ जी, अमित सहगल जी, आप सभी को नमस्ते। अमरीक सिंह जी, आपका तो कमेंट ले लिया था मैंने। जीतू सिंह जी राम राम। मंजीत सदाना जी, चड्ढा की तो नहीं पढ़ूंगा। सुचिंद्र दाना राम यादव जी, बलवंत सिंह राणा जी लिखते हैं, 2008 से ओल्ड एज पेंशन बांध कर रखी है, केजरीवाल ने कभी इनके लिए कुछ भी नहीं किया, ये तो झूठ बोलते हैं। हरलाल सिंह, ज्योति जी, अशोक भाटिया जी, विजय कुमार श्रीवास्तवा जी, थोड़ा नीचे आता हूँ, नीलिमा त्रिवेंद्र सोढ़ी जी, युग पुरुष श्री श्री नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, सुनील चुररिया जी, जय श्री राम आपको, सुनील जी, धीरेन्द्र जी, बसंत जी, हरिवल्लभ जी, सत्यमेव जयते जी, आनंद शेट्टी जी, मुकेश जी, संजय जी और लाइफ क्रिएटर जी, कल्पेश पटेल जी, आप सभी को जय सिया राम। साउथ ईस्ट 41 क्या लिख रहे हैं, तर्पण करवा पाटीदार समाज। मैं और नीचे जाता हूं दोस्तों। संजय जी, आसू राम जी लिख रहे हैं, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है तो आंख का ऑपरेशन विदेश में क्यों, स्कूलों में मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास हैं, झूठे सारे। अंकुश सिंह जी राम राम। कीर्ति वदन ठक्कर जी, सर योर एनालिसिस इज ऑलवेज वेरी डिटेल्ड एंड विद लॉजिक, थैंक यू सर। अवधेश जी, तिहाड़ जेल बिकेम ब्लेस्ड विद योर अराइवल केजरीवाल। गोपाल शर्मा जी, विमल कुमार शर्मा जी, ठाकुर जी, रोकिंग विवेक जी, नादागिर जी, गीता सिन्हा जी, रामकिशोर राउत जी, श्रीवास्तवा जी, महेंद्र जी, रामकिशोर जी, आपको भी चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दोस्तों नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आरोग्यपूर्ण जीवन भी हो आप सभी का। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।